भारतीय जनता पार्टी महानगर एवं जिला इकाई गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय एकता अभियान जन जागरण प्रबुद्ध गोष्ठी का आयोजन गुरुवार को गोरखपुर क्लब में किया गया। राष्ट्रीय एकता अभियान जन जागरण प्रबुद्ध गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का माला पहनाकर अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने प्रबुद्ध जनों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार सभी वर्गों और समाज के लिए काम कर रही है। मृत्यु कभी नहीं होती, वो भारतीय सेना की तरह करते दिखते, वो भारतीय सेना की तरह करते दिखते। छात्र शक्ति के प्रखर कुंज हो देव भूमि के है साधक, हम छात्र शक्ति के प्रखर कुंज हो देव भूमि के है साधक, हम छात्र शक्ति से राष्ट्र शक्ति गढ़ने वाले हैं, विश्व गुरु भारत का ध्वज आगे लेकर जाएंगे। ऐसी भावना मैं युवाओं के माध्यम से अपने प्रभु जनों के चरणों में समर्पित, सौगंध भवाने की, हमको सौगंध भवाने की। निश्चित रूप से जब एक राष्ट्र में संविधान के टुकड़े टुकड़े हो जाते, के मस्तिष्क पर जो एक दाग लगा था, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से धारा 370 और 35 हटाए, अपने देश की आंतरिक मांगों को का संविधान समाधान करने के लिए न रशिया से, न ब्रिटेन से, न चाइना से किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आपने देखा अमेरिका में जो आयोजन किया गया था, भाई श्री सीताराम जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, श्री भाई राजीव तिवारी जी त्रिपाठी जी, विधायक विपिन भाई, विधायक संसद जी, विधायक और जो सामने बैठे हैं मेरे बहुत वरिष्ठ पार्टी के वरिष्ठ जन, युवा साथियों, सभी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं समझता हूँ कि अच्छा होता है कि हम लोग थोड़ा सा मौसम साथ देता तो जल्दी आपके पास आते और भारत की एकता का सूत्र पिरो करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया है कि जो हम बोलते हैं वो हम जरूर करते हैं। देश के लिए हम किसी सीमा तक, देश की एकता और अखंडता के लिए किसी सीमा तक जाने को हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि पहले तो भारत 1850 से भी अधिक लोगों ने कुर्बानी दी है, 41,850 देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी दी है। मैं समझता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री का राज्य महामंत्री संगठन रहे होंगे, तब जब उन्होंने मनोहर जोशी और अखंडता की बात नहीं है, शादी के नहीं हुई है, मैं समझता हूं इधर जरा कुछ कम बोल रहे जानकारी का। मैं ये कह रहा हूं सबके लिए खुशी होगी ना, आपका नारा साबित हो गया कि नहीं हुआ है,